नमस्कार दोस्तों, सुधा गीता कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिनव्हील समोसा। हमें पहले डो की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम डो बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा रिप्लेसर लिया है ग्लूटेन फ्री, एक कप मैंने फरारी आटा लिया है जिसे कि व्रत का आटा भी कहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फरारी आटा कैसे बनाएं वो मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल मैदा 2 कप ले लीजिए और बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे ये बनेगा। ये मैंने 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 3 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है। हल्के हाथों से मिक्स करके इसका डो तैयार करेंगे। तेल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से बन जाना चाहिए। तो हमारा तेल अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंदेंगे। हमने ढीला आटा नहीं गूंदना, सख्त आटा गूंदना है। ये देखिए, आटा गूंद गया है। अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर बाहर ही रख दूंगी। फिलिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तेल डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, चुटकी भर ग्लूटेन फ्री हींग डालेंगे, अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, मटर, सूखा हरा धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, सौंफ, गरम मसाला और भुना जीरा। इन सबको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे। हमने 6 से 7 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे हरा धनिया और इस फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे। कॉर्नफ्लावर का घोल बनाएंगे, उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़ा सा नमक, पानी से इसका घोल बनाएंगे। ये देखिए, 1.5 घंटा हो गया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फिर से गूंदूंगी, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इसको अच्छे से गूंदूंगी और बिल्कुल सॉफ्ट कर दूंगी, ताकि जब हम बेलें तो ये बिल्कुल इसमें क्रैक्स नहीं आए। ये देखिए, मेरे 2-3 मिनट इसको अच्छे से गूंदा है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी और मैं दोनों पोर्शंस को अलग अलग बेलूंगी। देखिए, पहले बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्लूटेन फ्री मैदा लिया है, उसको मैं सारा स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि हमारा ये चिपके नहीं। आप पॉलीथिन भी कोई 2 ले सकते हैं और बटर पेपर भी ले सकते हैं। इसको बेलेंगे, पहले हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए, अब ये बेल चुका है और अब हम इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसको स्प्रेड कर देंगे इवनली। आपने ध्यान रखना है कि आटे को 1.5 घंटा रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से गूंदना है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से नीड नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो चपाती है वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आटे को ज़रूर 1.5 घंटा आप रखिए और उसके बाद आप उसको 2 से 3 मिनट नीड ज़रूर कीजिए और थोड़ा सा ऑयल बाद में भी लगाइए ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए हमारा डो। अब हम इसको रोल करेंगे। बहुत आराम से आपने इसको रोल करना है।
हम साइड से एक्स्ट्रास काट देंगे, एक पीस से कट देंगे। ये देखिए कट हो गए हैं, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा, एक लेयर आटे की और एक आलू की। तेल बिल्कुल गर्म है और मैं इनको हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। और ये हमारा कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार है। इसमें मैंने ग्लूटेन फ्री कॉर्नफ्लावर लिया है और मैं इसमें डिप करूंगी और फ्राई करने के लिए छोड़ दूंगी। अभी हम इसको मीडियम हीट पे ही सिर्फ फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। देखिए ब्राउन हो चुके हैं एक तरफ से, मैं इनको पलटूंगी, गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको निकालेंगे। पिनव्हील समोसास जो कि ग्लूटेन फ्री हैं वो रेडी हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। आप इसको बनाइए, खाइए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।